आज हम सीख रहे हैं कई नाम का स्कैनर इस्तेमाल करने का तरीका, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मेन व्यू है स्कैनर का, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑटो स्कैन है, फोटो स्कैन है, डॉक्यूमेंट स्कैन है और कस्टम स्कैन है। अगर हमने फ़ोटो स्कैन करने हैं छोटे छोटे फोटो हैं तो आप उसमें से 8 रखेंगे, और अगर बड़े हैं तो 12 रखेंगे। बड़े हैं तो सिर्फ 3 और छोटे हैं तो इस किस्म के तो 8 रखेंगे, और इसको क्लिक करेंगे फोटो स्कैन के ऊपर। फोटो स्कैनिंग ये शुरू कर देगा। ये आपको व्यू करवाएगा कि आपके फोटो स्कैन हो गए हैं और वो कैसे हुए हैं। जहाँ पे आपने लोकेशन रखी होगी, ये आपकी फ़ोटो आपको अलग-अलग अलग-अलग कट करके देगा। और ये हमने अपना एक स्कैनिंग का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने इनको रखा हुआ है, और ये बकायदा हर डेट के साथ स्कैन करता है। यानी आज की डेट है 17/3/2022, तो ये उस फोल्डर के अंदर उसने स्कैन किया है। ये है पिक्चर स्कैन करने का तरीका। कोई अगर बड़ी फाइल है आपके पास, कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो उनको भी आप इसी तरह स्कैन कर सकते हैं। पूरे पेज ऊपर रखेंगे और रखने के बाद आप इसको बंद करेंगे, और फिर आप इसको ऑटो स्कैन करें या फोटो स्कैन करें या डॉक्यूमेंट स्कैन करें, बल्कि आप कस्टम स्कैन करें, ये सही रहेगा आपके लिए। कस्टम स्कैन ये आपको बेहतरीन। अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो वो आपको पीडीएफ बना के देगा। अब आपने कस्टम स्कैन किया है तो कस्टम में आपने लगाया हुआ कि हमारे पास ये तस्वीर बन गया है। तो ये वहीं अपने फोल्डर के अंदर ओपन होगी और बिल्कुल क्लियर ये आपकी स्कैनिंग होगी। अगर आप इसी को कहते हैं कि ये हमें डॉक्यूमेंट स्कैन चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट में ये आपको क्या बना के देगा, ये पीडीएफ बना के देगा। अगर आपने पीडीएफ शेयर करनी है किसी के साथ या कहीं भेजनी है तो। लेकिन इसकी जो सेटिंग है ना, वो पहले आपको करनी पड़ेगी कि आपने कहाँ कहाँ पे रखनी है ये चीज़ें और किस तरह रखनी है। अब ये हमने किया है जी डॉक्यूमेंट स्कैन, ये जहाँ पे रखेगा एक बार आपको व्यू कराया कि मैंने वहाँ पे चीज़ें रख दी हैं। ये आवाज़ आपकी, ये जी अब डॉक्यूमेंट पीडीएफ के अंदर आया है, ये पीडीएफ के अंदर स्कैन किया है हमने। अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है तो ये स्कैन सेटिंग पड़ी हुई है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा इसका व्यू ओपन होगा। सेटिंग का कैनन की मुकम्मल जो सेटिंग है, ये मॉडल है LIDE। ये देखा जी ऑटो स्कैन कहाँ पे किस नाम से हो, कहाँ पे रखना है, ये ओपन विद एप्लीकेशन। फ़ोटो स्कैन कहाँ पे रखना है, कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो। डॉक्यूमेंट स्कैन आपने कैसे करना है, कस्टम स्कैन कैसे करना है, और स्कैन कि ये कैसे कहाँ पे हमारे ये नेम किसके साथ हो, ये पूरी की पूरी इसके अंदर डिटेल है। अगर हमारी वीडियो को पसंद आई है तो ये शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और दूसरों के साथ।